अभीरा ने किया नीरज को एक्सपोज, तो नीरज भड़का अभीरा पर, लगाया चारों पर बड़ा इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं आएगा नया ट्विस्ट आने वाले अपकमिंग एपिसोड में, आप सभी देखेंगे, जहां पर अभीरा को पता चल जाएगा कि चारू के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है और चारू को रोता हुआ देख लेती है अभीरा। जी हाँ दोस्तों, बता दें जहां पर अभीरा और अरमान एक तरफ अपने टर्मिनेशन के लिए प्रोसीजर कराने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर दादी सा अभीरा से टकरा जाती है, यानी कि दादी सा आशीर्वाद लेने के लिए अभीरा जाती है और वहां पर दादी सा समझ जाती है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है, ये लोग बताना नहीं चाहते। जहां पर दादी सा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह बोलती है कि दादी सा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वहीं पर बोलती है कि कोई इम्पोर्टेंट केस है क्या, जहां पर दादी सा से बोलती है हाँ ये मेरे जिंदगी का इम्पोर्टेंट केस है और मैं इस केस में पहली बार ऐसा है कि जितना नहीं चाहती। तब दादी सा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बात है, ये मैनुपलेट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अभीरा को दादी सा गले से लगा लेती हैं और अभीरा को बोलती है कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह से बोलती हुई नजर आने वाली है दादी सा। वहीं पर दादी सा आशीर्वाद लेकर अभीरा निकलती है, तभी चारू की रोने की आवाज सुन लेती है, जिसके बाद अभीरा पर चारू को बुलाती हुई नजर आने वाली है। चारू दरवाजा नहीं खोलती है, जिसके बाद अरमान के पास पहुंच जाती है अभीरा और अरमान को बोलती है कि अब हमें चारू की जरूरत है, हमें पहले चारू को टाइम देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दे अब इस के चलते हुए प्रोसीजर की डिले होता हुआ नजर आने वाला है। वहीं पर बता दे कि चारू के साथ सब कुछ पता करने के लिए अभीरा और अरमान कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर चारू कुछ बातें बताते हुए नजर आएगी, क्योंकि चारू इन सब चीजों को छुपाते हुए नजर आएगी, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है और उसके बाद नीरज की धमकी भी दिया है चारू को। और यहाँ पर चारू नहीं बताती है कि अभीरा ठान लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अभीरा ऑफिस पहुंच जाती है चारू को, जहां पर पता चलेगा कि ऑफिस गई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अब वहीं से अभीरा को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ घटित हुआ है अभी चारू के साथ, जिसके लिए चारू इतना ज्यादा रो रही थी। चारू कभी ऐसा रोती नहीं है। अब यहाँ पर अभीरा पता लगाते हुए नजर आने वाली है, पर अभीरा को एक टिश्यू पेपर मिलेगा और टिश्यू पेपर पर होटल का नाम लिखा हुआ होगा, जिस होटल में चारू और नीरज गए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दे अब यहाँ पर अरमान और अभीरा होटल में जाने वाले हैं और होटल में सीसीटीवी फोटो चेक करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद अभीरा के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगते हुए नजर आने वाला है। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।